सुनिए ना पहले, लाइफ एम दिया हुआ बंद करो। एक मिनट, रामदेव जी तेजस्वी जी, जिस तरह की भाषा का प्रयोग मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया आपकी फैमिली के लिए, कैसे देखते हैं? आठ नौ नौ बच्चे। अरे यार, देखिए सबसे पहले तो आपको जानना पड़ेगा, हमारे बहाने जो हैं नीतीश कुमार जी नरेंद्र मोदी जी को निशाना बना रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी भी छः सात भाई बहन हैं। पहली बात, हमारे बहाने नरेंद्र मोदी जी को निशाना बनाया जा रहा है। और हमने तो पहले भी कहा है कि नीतीश कुमार जी पूरी तरीके से थक चुके हैं, शारीरिक और मानसिक रूप से वो थक चुके हैं। अब कितना भी वो हमको गाली दें, कितना भी उल्टी चीज़ें बात करें, लेकिन बेरोजगारी पर वो बात नहीं करना चाहते, कारखाने पे वो बात नहीं करना चाहते, पलायन गरीबी भुखमरी पे वो बात नहीं करना चाहते हैं। और हमने तो बोला है कि उनका जो भी बोला हुआ वक्तव्य है वो हमारे लिए आशीर्वाद के रूप में है। दूसरी बात, अगर ऐसी बोली अगर वो बोलते हैं तो कहीं ना कहीं से महिलाओं का जो है मर्यादा जो है उसको ठेस पहुंचाने का वो काम कर रहे हैं। जो डिग्निटी होती है महिलाओं की, आप कह सकते हैं हमारी माँ की डिग्निटी को वो ठेस पहुंचा रहे हैं, हमारी माँ की मर्यादा को वो ठेस पहुंचाने का काम कर रहे हैं नीतीश कुमार जी। ये जमूरा देखिए, हमने तो कह दिया नीतीश कुमार जी कुछ भी कहें हमारे लिए आशीर्वाद है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे बहाने वो प्रधानमंत्री को ही निशाना बनाने का काम कर रहे हैं, तो इस पे हमको ज्यादा कोई टिप्पणी नहीं। ये सुशील मोदी ने सीधा हमला किया है कि आप लोग कास्ट लाइन पे बिहार को बांटने की कोशिश। कौन क्या कहता है, हमारा एक ही जगह जो है पूरी तरीके से फोकस है, नौजवानों को नौकरी देना, पलायन को रोकना, गरीबी को मिटाना, कारखाने लगाना, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स खुलवाना। कोई कुछ भी कहता रहे, हम तो जानते थे ये लोगों का दाल जब नहीं गलेगा तो जात और धर्म के नाम पर बांटने का प्रयास करेंगे, लेकिन बिहार के नौजवानों ने ठान लिया है कि जात पात और धर्म के ऊपर हट करके जो वोट जो है इस बार मुद्दे पे करेंगे, असल मुद्दे पे करेंगे, बेरोजगारी पे करेंगे, पलायन पे करेंगे, मजदूर किसान की बात पर करेंगे। तो ये अब कोई कितना भी कहता रह जाए उनका दाल नहीं गलेगा, क्योंकि वो जान रहे हैं कि वो दोबारा सत्ता में लौटने वाले नहीं हैं, इसलिए धर्म और जात के नाम पे ये लोग बंटवारा चाहते हैं। पहले फेज की पोलिंग है, जेडीयू की चिराग पासवान मदारी है, जमूरा नचाया जा रहा है। जेडीयू को बताना चाहिए कि कितने रोजगार दिए, कारखाने क्यों नहीं लगे, पलायन क्यों नहीं रोक पाए, गरीबी क्यों नहीं मिटा पाए, बिजली जो दाम है वो सबसे महंगा बिहार में क्यों है, 15 साल में भी अब तक खेत को पानी क्यों नहीं पहुंचा, इन विषयों पे उनको बताना चाहिए। बंद शुगर मिल, पेपर मिल, जूट मिल क्यों नहीं खुले, इस पर जवाब देना। बातें जो है एकदम निचले स्तर तक जाती जा रही हैं, जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है। हमको तो पता था कि ये मुद्दे को भटकाना चाहेंगे, लेकिन इनकी दाल गलने वाली नहीं है। सुशासन बाबू कौन है, SDO बाबू कौन है, बड़ा बाबू छोटा बाबू कौन है, ब्लॉक थाने आप जाते हैं तो बिना चढ़ावे के कोई काम नहीं होता। कोई बता दीजिए, जाति प्रमाण पत्र बनाना हो, मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना हो, उसमें भी आपको जो है चढ़ावा जो है वो देने का काम होता है। और जो लोग कहते रहे हैं कौन है बड़का साहेब छोटका साहेब, ये अधिकारी तो हैं। अगर नीतीश जी के राज में अधिकारियों का बोलबाला है, जहाँ जनता गरीबों की नहीं सुनी जाती है, तो हम तो इस चीज़ को लगातार बोल रहे हैं कि भाई भ्रष्टाचार जो है निचले लेवल से लेकर सचिवालय तक जो है भ्रष्टाचार बढ़ा है। अब बताएं सुशासन बाबू कौन है, तो इस पर हमको टिप्पा टिप्पणी नहीं करना। ये हताशा का परिचय कुछ लोग दे रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनका जाना तय है। कल पहले फेज की बोले सर, और कल पहले तो हर जगह हर बात पे हम लोगों ने बोला है कि हमने हर किसी का ख्याल रखा है और हम सबको साथ लेके चले। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।